हेलो दोस्तों, हम आगे क्वेश्चन करते हैं। सिक्स क्वेश्चन पे आ गए हैं। इसमें सिक्स क्वेश्चन में क्या कह रहा है, नेम द टाइप ऑफ कोऑर्डिनेटर्स फॉर्म इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजंस फॉर योर आंसर। तो इसमें देख लो, सबसे पहले पहला पॉइंट क्या है। पहले पॉइंट को ए मान लिया हमने, -1 और -2। सेकेंड पॉइंट है 1 और 0। थर्ड पॉइंट में -1 -2। और सी वाला मतलब थर्ड फोर्थ पॉइंट कौन सा है, डी वाला कौन सा पॉइंट है, 3 -3 और 0। ठीक है, अब हमें सबसे पहले क्या क्या निकालना है और पता कैसे करना है। तो सबसे पहले हम ए बी निकालेंगे, ए बी की वैल्यू निकालेंगे। ए बी की वैल्यू निकाल लो भाई। ए बी की वैल्यू क्या होगी, निकालो। -1 माइनस, नहीं यहाँ पे -1 से नहीं रखते, इसको -2 मानते हैं, -1। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये इधर प्लस, देन 0 प्लस 2, ये हुआ 2 और 4, 4 प्लस 4 8। ठीक है, और 8 यहाँ पर रखते हैं, 8 को हम और ज़्यादा सॉल्व कर सकते हैं, 2√2 लिख सकते हैं। देन बी सी की वैल्यू निकालो। बी सी की वैल्यू क्या है, बी सी की वैल्यू है -1 -1, ये दोनों आ गए, और देन 2 -0, तो 4 प्लस 4 8, 8 इक्वल्स टू √2, 2√2। ठीक है, अब बी सी के बाद सी डी, सी डी की वैल्यू निकाल लो। सी डी की वैल्यू क्या है, -3 और +1, 0 -2, देन 4 √4 प्लस 4, रूट के अंदर में है 8, और 8 के बाद क्या है, 2√2, इसकी वैल्यू होगी। और डी ए की वैल्यू निकाल लो। डी ए की वैल्यू 3 माइनस, यहाँ रूट पहले लगा दो, -3 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और +1 हो जाएगा। अब यहाँ पर 0 प्लस 2 हो जाएगा 4 प्लस 4, देन 8 इक्वल्स टू √2। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर होगी। जब यहाँ तक बात क्लियर होगी तो ए सी की भी वैल्यू निकाल दो। ए सी, ए सी की वैल्यू ये रही, ये ए सी की वैल्यू है। ए सी की वैल्यू निकालो, मतलब डायगनल ए सी की। ए सी की वैल्यू हो जाएगी, ए सी लगाओ भाई, एयर कंडीशन की वैल्यू -1 प्लस 1, देन अगले वाले में 2 प्लस 2 इक्वल टू क्या होगा, 0 प्लस 16, ये हो जाएगा 4। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट में अब हमें किसका निकालना है, बी डी की वैल्यू। किसकी निकालेंगे, बी डी की वैल्यू, ये रही बी डी की वैल्यू, बी डी की वैल्यू निकाल लो इस। तो बी डी की वैल्यू है -3 -1, और यहाँ पे क्या होगा, 0 और 0, 16 प्लस 0, ये हो जाएगा 4। तो हमें पता है कि ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी डी इक्वल्स टू डी ए। और हमें क्या पता है, हमें पता है ए ए सी इक्वल्स टू बी डी। तो ये जब तीनों चीज़ इक्वल हैं तो हम लिख सकते हैं कि भाई ये है स्क्वायर। क्या है, स्क्वायर, इट इज़ अ स्क्वायर, इट इज़ अ स्क्वायर। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट वाले पॉइंट पर आ जाते हैं। हमने एक पॉइंट मान लिया क्या, ए, दूसरा वाला पॉइंट बी, तीसरा वाला पॉइंट सी, और चौथा पॉइंट डी। ए की वैल्यू क्या है, -3 और 5, बी की वैल्यू है 3 और 1, 0 और 3,
माइनस वन और फोर माइनस फोर, ठीक है। जब हमें ये दे रखा है तो हम इसकी वैल्यूज निकालते हैं। सबसे पहले ए बी की वैल्यू निकाल लो। ए बी की वैल्यू, ए बी की वैल्यू कुछ है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल आसान है ए बी की वैल्यू, है ना। तो फॉर्मूला लिखना चाहते हो तो फॉर्मूला लिख लो एक बार, एक्स टू माइनस एक्स वन वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। अब हमें इसकी वैल्यूज पता चल गई तो हम निकालना शुरू कर देते हैं। ए बी की वैल्यू क्या है, एक्स टू मतलब थ्री प्लस थ्री, माइनस होगा तो माइनस से प्लस हो जाएगा थ्री, और ये कितना होगा वन माइनस फाइव, ये होगा नाइन, सिक्स सिक्स और छत्तीस छत्तीस, और इसका होगा फोर, हो गया सोलह, तो बावन रूट फिफ्टी टू आए। अगले वाले में आ जाओ भाई, बी सी की वैल्यू, बी सी की वैल्यू निकाल लेते हैं। बी सी की वैल्यू क्या है, ज़ीरो माइनस थ्री, थ्री माइनस वन, देन ये हो जाएगा नाइन प्लस फोर इक्वल्स टू थर्टीन रूट रूट थर्टीन। देन नेक्स्ट वाले पे पॉइंट आ जाओ, बी सी सी डी, सी डी वाले में, सी डी वाले पॉइंट में माइनस वन माइनस ज़ीरो, देन माइनस फोर माइनस थ्री, ये हो गया वन प्लस उनचास, देन होगा ये पचास। ये तीनों इक्वल नहीं है, ए बी इक्वल नहीं आया, ए बी इक्वल भी नहीं आया, बी सी भी इक्वल नहीं आया एक दूसरे के, और सी डी भी इक्वल नहीं आया। डी डी ए को भी चेक कर लेते हैं, अगर तीनों चारों इक्वल नहीं आए तो इसका मतलब क्या है कि ये क्वाड्रेटिक क्वाड्रिलेटर नहीं फाइंड आउट करेगा कोई भी। माइनस थ्री प्लस वन, देन फाइव प्लस फोर, ये हुआ टू, टू हो जाएगा टू का फोर फोर, देन ये नाइन इक्यासी, ये पचासी हो गया। तो चारों इक्वल नहीं है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे ए बी डज नॉट इक्वल्स टू बी सी, डज नॉट इक्वल्स टू सी डी, डज नॉट इक्वल्स टू डी ए। तो इसका मतलब क्या है, इट इज नॉट, इट कैन नॉट, या लिख देंगे दे कैन नॉट बी फाउंड एनी क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। नेक्स्ट वाले पास जाते हैं भाई, यहाँ तक बात समझ में आ गई। एक लो फिर से, मैंने ए बी बी सी और सी डी और डी ए निकाला, तीनों चारों इक्वल नहीं है, तो इसलिए ये क्वाड्रिलेटरल फाइंड आउट नहीं, फाइंड नहीं कर सकते, फॉर्म नहीं कर सकते, बना नहीं सकती। अब अगले वाले पाजो भाई, अगले वाले पॉइंट पे, इसमें ए ए बी सी डी माइनस फोर फाइव सेवन सिक्स फोर थ्री वन टू, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने जब इसको देखना है तो हमें सबसे पहले क्या निकालना है, ए बी, क्या निकालना है, ए बी, ए बी निकालते हैं। ए बी का हमें पता है ए बी सेवन माइनस फोर, देन सिक्स माइनस फाइव, ये हुआ सेवन माइनस फोर नाइन, नाइन प्लस वन हो जाएगा टेन, ठीक है। और बी सी के बाद है, अब हम निकालेंगे इसका ए बी, ए बी निकाल दिया, बी सी निकालेंगे अब। तो अब हमारे पास में क्या होगा, ए फोर माइनस सेवन, देन फोर माइनस सेवन थ्री माइनस सिक्स, थ्री माइनस सिक्स ये थ्री, थ्री का नाइन होगा, देन इसका क्या होगा, इसका भी नाइन होगा अट्ठारह रूट अट्ठारह। नेक्स्ट वाले के देखते हैं भाई, बी सी के बाद
अब अगले वाले पे सी डी, सी डी क्या होगा, सी और डी 1 माइनस 4, 2 माइनस 3, देन ये हुआ 9 प्लस 1, ये हो गया 10। अब इसके बाद आगे डी ए वाले में -1 4, देन 2 5, 3 का स्क्वायर, देन -3 का होल स्क्वायर, -3 का होल स्क्वायर, ये हो गया 9 9 18, ये हो गया 18, इसका भी 9 होगा, इसका भी 9, प्लस होके क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो देखो हमें पता है यहाँ से क्या पता चल रहा है, हमें पता चल रहा है जो ए बी है किसके बराबर है, सी डी के बराबर है, एंड जो बी सी है ना वो डी ए के बराबर है। इसका मतलब क्या है, अपोजिट साइड्स क्या है, इक्वल है, अपोजिट साइड्स क्या है, ये वाली साइड्स ए बी, ये भी इसके बराबर है, इस वाले और ये वाला इसके बराबर है ना। तो हम लिख सकते हैं इट इज, और अब हम यहाँ तक ये पता चल गया, हमें एक बार ये भी चेक कर लेना है कि इसके कोऑर्डिनेट, इसके डायगनल्स के बारे में चेक कर लेना, डायगनल्स ये वाला डायगनल्स और इसके बारे में चेक कर लेना, ठीक है, ये चेक कर लेते हैं फटाफट, फिर इसके बाद हम अपने ऑब्जर्वेशंस लिखेंगे यहाँ से थोड़ा सा ये। तो एसी, एसी की वैल्यू 4 -4 और देन 3 -5, ये हो गया 0 और ये हो गया 2 4, ये 2 हो जाएगा √2। और डी बी डी की, बी डी की वैल्यू निकाल देते हैं, बी डी की वैल्यू -1 और 7 और यहाँ पे होगा 2 6, ये होगा 36 प्लस 16, 36 और 16 52, 36 और 16 52 होंगे, ठीक है 52, ये सारी चीज़ें इक्वल हो, मतलब ये इक्वल नहीं हुए, ए सी इक्वल टू बी डी, तो ये तीन दो चीज़ इक्वल नहीं है और ये दो चीज़ इक्वल है। तो हम लिख सकते हैं इट इज एन एन आर, इट इज अ पैलोग्राम, इट इज अ पैलेलोग्राम, पैलेलोग्राम, ठीक है भाई, ये पैलेलोग्राम होंगे। अच्छा क्वेश्चन था, बेहतरीन क्वेश्चन था, डिस्टेंस फॉर्मूला ही हमने देखा हर जगह पे। सिक्स क्वेश्चन में 3 पार्ट थे, तीनों के तीनों पार्ट हमने कंप्लीट कर लिए, ठीक है। अब आ जाते हैं सेवन्थ क्वेश्चन पे, सेवन्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है इसका, सेवन्थ क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड, पहले हाईलाइट यूज करूँ तो मैं क्वेश्चन के छीट फाड़ करूँ तो स्मार्ट हूँ। देखो फाइंड द पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस, कोई चीज़ ऑन एक्स एक्सिस पे होगा तब उसके बारे में क्या बातें होंगी वो बताऊँगा। विच इक्विडिस्टेंस फ्रॉम, इक्विडिस्टेंस है सेम, इक्विडिस्टेंस मतलब सेम डिस्टेंस पे, इक्विडिस्टेंस है इस वाले पॉइंट से, इस वाले पॉइंट से, और कौन से वाले पॉइंट से, इस वाले पॉइंट से इक्विडिस्टेंस है। तो सबसे पहले एक लाइन हम क्लिक करते हैं और जो कि एक्स एक्सिस पे है, देखेंगे एक्स एक्सिस पे है तो क्या सिनेरियो बनेगा क्वेश्चन का, वो सारी चीज़ें देखेंगे हम। सबसे पहले एक पॉइंट है, जैसे सपोज करो ए और बी है, ए और बी है ना, ए पॉइंट है एक बी पॉइंट है, इसके बीच में एक सी पॉइंट है जो दोनों को इक्विडिस्टेंस है, दोनों से बराबर डिस्टेंस पे है, जितना हमें जाने में ए से बी लगेगा, जितना हमें ए से सी लगेगा, ए से सी लगेगा उतना बी से सी भी आने में लगेगा, जितना ए से सी लगेगा उतना बी से सी आने में लगेगा, ठीक है बात, यहाँ तक बात समझ में आ गई, ये उतनी सेम इक्वल डिस्टेंस है इनकी। तो हमें इसका मतलब क्या हुआ कि ए सी इक्वल्स टू बी सी, ए सी इक्वल्स टू बी सी,
यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब हमें पहले वाले का ए वाला पॉइंट हमने मान लिया, इक्वल डिस्टेंस है 2 और 5 जो कि गिवन दे रखा है 2 और -5। अगले वाले का बी वाले का पॉइंट दे रखा है -2 और 9, और एक है इक्विडिस्टेंस है। जब इक्विडिस्टेंस है तो एक्स पे है तो एक्स तो कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, एक्स पे है तो कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, लेकिन वाई की जगह पे जीरो होगा। एक्स की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी लेकिन वाई जीरो होगा। अब आपको जस्ट सपोज कर दूं, ये देखो ये है वाई एक्सिस और ये है एक्स एक्सिस। अगर कोई भी पॉइंट यहाँ पे जस्ट सपोज करो इस पे है तो x तो कुछ ना कुछ मान लो यहाँ 1 है और ये दूसरा क्या होगा, 0 होगा कि नहीं होगा। y क्या होगा, 0 होगा। ये x की वैल्यू ये y की वैल्यू, तो y क्या होगा, 0 होगा। अगर कोई चीज़ x एक्सिस पे लाई कर रहा है तो y 0 और y पे लाई कर रहा है तो x 0। ठीक है, तो हमने ये पॉइंट मान लिया। लेट सी क्या है, c है कौन सा पॉइंट है, x और 0। ठीक है, ए सी और बी सी की वैल्यू मानेंगे। अब अगर मैं इस पॉइंट का स्क्वायर कर दूं, इनका स्क्वायर कर दूं, तो रूट हट जाएगा फॉर्मूले में से, जो स्टार्टिंग में मैंने बताया था फॉर्मूले में से रूट हट जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, x2 - x1 देन y2 - y1। अगले वाले में ऐसे सेम होगा x2 - x1 प्लस y2 - y1। यहाँ तक बात समझ में आ गई। जब यहाँ तक बात समझ में आ गई तो x वाले में x-2 प्लस y2 क्या है, 0 है, और यहाँ पे क्या रखेंगे प्लस 5। अगले वाले में x+2 देन 0, 9। इसके ब्रेक डाउन करेंगे x² देन 4 देन 4x, इसका क्या होगा 25। ये होगा x² देन 4 देन 4x और यहाँ पे क्या होगा 81। देखो यहाँ पे एलिमिनेट कौन कौन से वैल्यूज होंगे, ये एलिमिनेट हो जाएंगे क्योंकि भाई इक्वल्स टू के दूसरे साइड में शिफ्ट करेंगे तो 0 हो जाएगी, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव 0, ये भी गायब हो गया। अब हमारे पास बचा क्या, -4x+25, यहाँ पे 4x+28, यहाँ पे इस साइड में 4x-4x, तो ये 81, ये -16 के ऊपर आऊँ, स्क्वायर कैसे हो जाएगा, ये 8 होगा, 16 नहीं होगा, 8, यहाँ पे कितना होगा 8, और जस्ट यहाँ पे कितना बचेगा 56, क्या बचेगा 56। अब x की वैल्यू क्या आएगी, अरे 56 है यहाँ पे और 8 - 8 से डिवाइड हुआ तो क्या होगा -7। x की वैल्यू क्या आई, -7। और पॉइंट्स क्या होगा, पॉइंट्स रिक्वायर्ड पॉइंट्स जो हमसे पूछा, पॉइंट्स क्या होगा -7 और 0, -7 और 0, जो सी पॉइंट है -7 और 0। ठीक है, बात समझ में आ गई। थैंक यू सो मच, वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अगर आपको अच्छा लगे तब, नहीं तो मत कीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।